क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ, तो इसमें ये गिवन है और हमें इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम पहले ए प्लस बी रूट फाइव को पहले लिखेंगे और इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसको लिखते हैं, सेवन प्लस थ्री रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव माइनस सेवन माइनस थ्री रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा थ्री प्लस रूट फाइव और ये थ्री माइनस रूट फाइव, ये होगा सेवन प्लस थ्री रूट फाइव इंटू थ्री माइनस रूट फाइव माइनस सेवन माइनस थ्री रूट फाइव और ये थ्री प्लस रूट फाइव, सो इक्वल टू, इसके डिनोमीटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा थ्री होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव होल स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सेवन से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को, तो ये सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन माइनस सेवन रूट फाइव, फिर थ्री से करेंगे तो ये होगा थ्री थ्री जै नाइन रूट फाइव और ये माइनस फिफ्टीन, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ट्वेंटी वन प्लस सेवन रूट फाइव माइनस नाइन रूट फाइव और ये होगा माइनस फिफ्टीन, सो इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस सेवन रूट फाइव प्लस नाइन रूट फाइव माइनस फिफ्टीन, इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, अपॉन नाइन माइनस फाइव, सो इक्वल टू ये ट्वेंटी वन कैंसिल हो रहा है और ये फिफ्टीन कैंसिल हो रहा है और नाइन रूट फाइव और नाइन रूट फाइव ये होगा एट्टीन रूट फाइव माइनस सेवन सेवन ये होगा फोर्टीन रूट फाइव अपॉन फोर, सो इक्वल टू फोर रूट फाइव अपॉन फोर, तो फोर फोर कैंसिल, सो इक्वल टू रूट फाइव, तो ए प्लस बी रूट फाइव, सो देयर फोर ए प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू रूट फाइव, तो इसको हम लिखेंगे जीरो प्लस रूट फाइव, नाउ इक्वेटिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, सो वी हैव देयरफॉर ए इक्वल टू, फिर रैशनल को रैशनल के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जीरो होगा और बी इक्वल टू होगा वन, आंसर।